वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बजरंगी भाईजान के डे टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ चाइना। कल जैसे आपको पता था लैंटर्न फेस्टिवल था 2 मार्च, जो कि यू नो चाइना में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसी के वजह से जो कलेक्शन आए थे वो काफी बेहतरीन और वाकई काबिल तारीफ थी। लेकिन फ्रेंड्स उस फेस्टिवल की वजह से, उस त्यौहार की वजह से एक बात अच्छी हुई कि जितने भी यू नो वहाँ चाइना में फैंस थे उनको एक बात पता चल गई कि ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। जितनी भी ऑडियंस कल इसने लेके आई थी, लगभग 4.5 लाख लोगों ने इस फिल्म को कल देखा, तो वो 4.5 लाख लोग जब अपने वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे 4.5 लाख लोगों को बोलेंगे, तब फ्रेंड्स मिनिमम 9 से 10 लाख लोग अगर आज और कल इस फिल्म को देखते हैं, तब इसका कलेक्शन जो इसका वीकेंड रहेगा चाइना में मिनिमम 60 करोड़ के पार टच करेगा। और फ्रेंड्स कल के वर्ड ऑफ माउथ को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि बजरंगी भाईजान अपने डे टू यानी कि सैटरडे को चाइना में कमाएगी 22 crore। यस फ्रेंड्स 22 करोड़, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब रात को 9 बजे जैसे ही कलेक्शंस पोर इन होते हैं आज के, तब पता चलता है क्या ये 22 करोड़ कमाती है नहीं कमाती। लेकिन फ्रेंड्स डे टू यानी कि सैटरडे बजरंगी भाईजान इन चाइना, मेरा प्रेडिक्शन है 22 करोड़। वेल फ्रेंड्स अगर एपिसोड पसंद है और बजरंगी भाईजान के अपडेट्स जानना चाहते हो और आपके दिल में बजरंगी भाईजान को लेकर जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दिस इज मियां मेरन साई साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू अनदर एपिसोड। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। एंड एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।